आपके सबसे ऊपर। अभी जो है जुलूस यहाँ से गोल चौक में जाएगा, वहाँ पे अलामा साहब का खुतबा होगा के बाद जुलूस फिर अपने रस्तों से रवाना होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह इवान हुसैन अलैहि सलाम में इख्तिताम पज़ीर होगा और उसके बाद जंजीर। बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है और मुझे छाता लाना पड़ा, उसकी रीज़न सिर्फ यही थी। बारिश शदीद पहले भी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहि सलाम। मदद, आज हम मरकजी जुलूस इवान हुसैन अलैहि सलाम सिलसिला चल इमाम हुसैन सलाम तो अभी जुलूस अपने रस्तों पर रवाना है और बारिश, सख्त बारिश और ये पानी सलाब होने के बावजूद भी मौला हुसैन के अज़ादार निकले हैं, ये साबित करने के लिए कि अज़ादारी को कभी भी नहीं रोका जा सकता, चाहे बारिशें हो, तूफ़ान हो, दहशतगर्दी हो, जो मर्ज़ी हो। अभी जो है जुलूस यहाँ से गोल चौक में जाएगा, वहाँ पर अलामा साहब का खुतबा होगा के बाद जुलूस फिर अपने रस्तों से रवाना होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह इवान हुसैन अलैहि सलाम में इख्तिताम पज़ीर होगा। तो जुलूस की मुकम्मल आपको डिटेल और रास्ता और आज़ादारी मैं इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा, प्रॉपर आपको वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और आप माशाल्लाह जिक्र इमाम हुसैन जो है उसमें आप भी शामिल हो जाइएगा। अभी यहाँ पे जुलूस को रोका हुआ है क्योंकि टाइम अभी नहीं हुआ, तो सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है यहाँ पे। जब टाइम हो जाएगा यहाँ से जुलूस को फिर आगे रास्ता दिया जाएगा और उसके बाद ठीक 5 बजे अलामा साहब का खुतबा होगा और उसके बाद जंजीर जनी और मातमदारी होगी। बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है और मुझे छाता लाना पड़ा, उसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि बारिश में ना वो जब मोबाइल पे कैमरों लेंस पे पड़ते हैं ना पानी के छींटे, तो वो ना थोड़ा वीडियो ब्लर हो जाती है, तो मुझे इस वजह से जो है ना छाता लेके आना पड़ा। बारिश शदीद पहले भी हो चुकी है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और बारिश के बावजूद जो आज़ादार जो है वो नहीं रुकने वाले। मौला हुसैन की आज़ादारी जिंदाबाद, आज़ादार जिंदाबाद। तो अभी जो है अभी टाइम नहीं हुआ आगे जाने का, लेकिन बारिश जो है फिर से स्टार्ट हो गई है।
आप कब से हो? लब्बैक या हुसैन। मोमिनीन आगे आगे चलते जाएं, जहां जगह मिलती है बैठ जाएं। अरशद आफ़ी साहब आप फोन करें जरा उधर पहले नंबर पे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बिलंतर सलावत। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक, लब्बैक या हुसैन। हुसैन तेरी अता का चश्मा दिलों के दामन भगो रहा है, हुसैन तेरी अता का चश्मा दिलों के दामन भगो रहा है, ये आसमां पर उदास बादल तेरी मोहब्बत में रो रहा है। हुसैन तेरी अता का चश्मा दिलों के दामन भगो रहा है, ये आसमां पर उदास बादल तेरी मोहब्बत में रो रहा है। सबा भी गुजरे जो करबला से तो उसको कहता है अर्श वाला। इस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर, पर है वो नूर की तनवीर का पैकर, तकरीब तेरा इज्म है कर, तू जिस्मों का हाकम है वो जहनों का, नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नाराए सलवात। यहाँ जहाँ जगह मिलती है बैठ जाए, हम साहब पहुँचने वाले हैं। हर आने वाले नस्ल पर एहसान कर दिया, अब्बास की बहन की शुजाअत को देखिए, कातिल के घर में जीत का ऐलान कर दिया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। वो जो पांव के तलवों से खंजर कुचल गई, वो जो पाँव काट दी चादर की धार से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सदा कल्लाहुल अज़ीम।
ये मेरी आहें ये मेरा गिरिया बना में जहरा वसूल कर ले, ये मेरी आहें ये मेरा गिरिया बना में जहरा वसूल कर ले, निदामतों के ये बहते आंसू बतौर हदिया कबूल कर ले। मैं तेरा मुजरम हूँ मेरे मालिक, तू मुझको पत्थर से दूर बना दे, ऐ करबला के करीम कादर तू मुझको आसी से हुर बना दे। मैं तेरे कायम की खैर मांगू पहले अपनी हर एक दुआ से, हुसैन मुझको माफ करना मैं जिंदा आया हूँ करबला से। अब आपके सामने नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। शौर की रोशनाई लेकर, शौर की रोशनाई लेकर बदीदाए कर हुसैन लिखना, तुम ऐसा करना किताब दिल के वरक वरक पर हुसैन लिखना, हुसैन लिखना फिर इसको लिखना, फिर इसको लिखकर तुम ऐसा करना कि आज तक तुमने जो भी लिखा है उसका मेहर हुसैन लिखना। और अगर किताबत का शौक हो तो किताब सदर रजा निराज जहाँ शहीदों के नाम लिखना, तो सबसे ऊपर हुसैन लिखना। Be mine.